hello everyone yes peter we are going to do a book exercise of adjective open book page 153 yes in which uh, what we have to do we have to underline the nouns and circle the adjectives we know what are nouns we know what are adjectives so what we will do we will find out the noun and underline it and we will circle the adjectives yes

Is crawling on the rocks. Rock is also noun. Rock. This is also noun. This is think. Yes. A tiny mouse is sleeping under the bed. Mouse. Mouse is an animal. So we will, this is noun. We will underline it. How the mouse is? Tiny. Small mouse. So we will circle this. स्लीपिंग अंडर द बेड कहाँ से हो रहा है वो बेड के नीचे तो बेड बेड इज ऑल्सो नेम ऑफ थिंग बिग ब्राउन बियर इज स्लीपिंग बियर अगेन बियर इज नाउन एंड बिग ब्राउन कैसा है वो बिग ब्राउन सो दिस इज एडजेक्टिव फॉर द बीयर नेक्स्ट A small white butterfly is sitting on the flower. The name of flower, the name of animal, the name of insect, all are noun. flower, This is noun. Butterfly, this is noun. And kaisi hai butterfly. Butterfly, small white. So this is the adjective of but, butterfly. Small white. We will circle it next one is the dirty white rabbit needs a bath dirty white rabbit rabbit noun kaisa hai rabbit dirty white so this is adjective dirty white next there are three ripe oranges in the basket oranges name of fruit basket name of thing this is noun सो so, ऑरेंजेस कैसे हैं थ्री राइट मैम ने आपको बोला था ना कि कोई भी चीज़ कैसी है या कितनी है बोथ आर एडजेक्टिव क्वांटिटी या क्वालिटी किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो अच्छी भी हो सकती है गुड क्वालिटी भी हो सकती है बैड क्वालिटी भी हो सकती है और क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है नंबर कि वो चीज़ हमारे पास कितनी नंबर्स में है सो थ्री राइट सो दीज आर एडजेक्टिव थ्री राइट नेक्स्ट वन इज फाइव फरी रैबिट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन रैबिट्स नाउन गार्डन नाउन अब हाउ द रैबिट्स आर रैबिट कैसे हैं फाइव फरी फाइव फरी ये उसकी हो गई रैबिट की क्वालिटी फरी हो गई क्वालिटी फाइव हो गई क्वांटिटी ठीक है फाइव फरी नेक्स्ट वन इज द लिटिल पिग वेंट टू अ पार्टी द लिटल पिग वेन टू अ पार्टी कहाँ गई पार्टी में नाउन पिग कौन गया पिग नाउन ये एंड हाउ द पिग इज और पिक लिटल सो दिस इज एग्जेक्टिव ओके वट यू हैव टू डू यू है नाउन फर्स्ट so okay? पहले नाउन देखो फिर चेक करो नाउन के साथ क्या वर्ड एड हुआ है वो चीज़ नाउन हमारा कैसा है हाउ द नाउन इज हाउ मेनी द नंबर ऑफ नाउन इज सो वी गेट टू नो दिन पता चल जाएगा ब्लू सी बोट्स नाउन सी नाउन अब बोट्स कितनी हैं फाइव फाइव बोट्स तो फाइव इज एजेक्टिव सी कैसा है ब्लू सो ब्लू इज एजेक्टिव कलर आ गया ना मैम टोल्ड यू दैट द नेम ऑफ कलर इज ऑल्सो एजेक्टिव सिक्स ब्लाइंड माइज एट द चीज टू दो माइस क्या होती हैं माउस माउस का प्लूरल माइज चीज चीज थिंग होती है माउस को बहुत अच्छा लगता है चीज सो टू नाउन वी गॉट एंड और कितने माउस हैं सिक्स ब्लाइंट सो सिक्स ब्लाइंड माइज एट द चीज दीज आर य

कपड़े को हाथ लगा के देख सकते हो कॉटन है सिल्क है नाउ इट्स योर चॉइस आपको जो लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि इस आंटी ने कॉटन साड़ी वेयर की है सो आई विल राइट कॉटन अगर इफ़ यू विल राइट सिल्क हेयर सिल्क की भी साड़ीज होती हैं ना तो सिल्क इज ऑल्सो करेक्ट सो आई विल राइट कॉटन ओके डैश कलर अब ब्रैकेट में है कलर देखो कौन से कलर की साड़ी है दिस इज ग्रीन कलर आई विल राइट ग्रीन सो ये हमारे हो गए एडजेक्टिव मोना आंटी इज बियरिंग अ कॉटन ग्रीन साड़ी वाइट नेक्स्ट वन इज द डैश चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग डैश मिल्कशेक नंबर है काउंट करो वन टू थ्री थ्री चिल्ड्रन है तो वी विल राइट थ्री हेयर थ्री चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग फ्लेवर मिल्क शेक ब्रैकेट में है फ्लेवर आपको कौन से फ्लेवर का मिल्कशेक अच्छा लगता है जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन राइट हेयर चॉकलेट मिल्क शेक है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है यू कैन राइट एनीथिंग आई लाइक चॉकलेट सो आई एम राइटिंग चॉकलेट हेयर ओके येस नेक्स्ट वन इज मोहन लव्स टू ड्राइव हिज साइज अब इसको देखकर आपको क्या साइज लग रहा है स्मॉल लग रही है ना कार तो वी विल राइट स्मॉल अगर बिग होती तो आप बिग लिख सकते थे कलर इसका कार का कलर क्या है दिस इज रेड भी लग रहा है ऑरेंज भी लग रहा है मैम को तो सो आई एम गोइंग टू राइट रेड कलर रेड ओके रेड कलर कार यस नेक्स्ट वन इज डू यू नो वाट इज दिस दिस इज ताजमहल एंड वेयर इज द ताजमहल इन आगरा चलो द ताजमहल इज अ वेरी डैश एज दे रखा है देखो एज मीन्स बहुत पुराना है आपको इसकी एज तो नहीं पता ना हम एज ये तो नहीं लिख सकते ना टेन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स थर्टीन ईयर्स आई डोंट नो सो वी विल से ओल्ड बहुत पुराना है ओल्ड न्यू भी लिख सकते हैं आप अगर कोई चीज न्यू होती है तो द ताजमहल इज अ वेरी ओल्ड डैश मोन्यूमेंट इसको देखकर आपको पता है किस चीज का बना हुआ ये मार्बल्स का ठीक है सो वी विल राइट इसकी लुक कैसी है मार्बल ये सब क्या बना हुआ है मार्बल का मोनूमेंट है सो वी विल राइट द ताजमहल इज अ वेरी ओल्ड मार्बल मोनूमेंट फाइन नेक्स्ट वन इज आई हैव एन ओपिनियन स्टोरी बुक अब ब्रैकेट में ओपिनियन ओपिनियन का मतलब होता है आपका विचार कैसा है अब एक स्टूडेंट है बुक पढ़ रहा है ठीक है अब उसके विचार में वो बुक कैसी है उसके ओपिनियन में बुक कैसी है वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन सॉरी इन ट्रस्टिंग मैम ने यहाँ इंटरेस्टिंग क्यों लिखा है बिकॉज एन एन इज रिटर्न हेयर अगर एन आ गया तो आप यहाँ क्या करोगे द वर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम वोवल जो वर्ड बोरिंग भी लिख सकती हूँ मैं लेकिन बोरिंग मैंने क्यों नहीं लिखा बोरिंग लिखती तो यहाँ पर ए आता इफ एन इज हेयर सो वी विल राइट एनी वर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम वोवल इन टस्टिंग तो मैम इंटरेस्टिंग ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री यू विल डू इट बाई यूर सेल्व येस इन दिस वट यू हैव टू डू नंबर लुक कलर आप इस पिक्चर को देखेंगे यू विल राइट नंबर लाइक वन टू थ्री फोर फोर पपीज आर हेयर सो यू विल राइट फोर हेयर लुक इनकी लुक कैसी है आप, आपको क्यूट लग रहा है तो आप क्यूट लिख दो कलर है तो यू कैन राइट पिंक हेयर सो दिस इज योअर होम वर्क यू विल डू क्वेश्चन नंबर थ्री इन योर बुक बाई यूर सेल्फ विथ योर इमेजिनेशन आप खुद देख कर राइट डाउन करेंगे कि आप क्या लिखना चाहते हैं विच एजेक्टिव वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज फॉर दीज पिक्चर्स ओके गुड बाय एवरी वन डू योर वॉक